नमस्कार, मैं सुचेता शर्मा। पिछले दिनों एक मंदबुद्धि महिला के साथ रेप के मामले की गूंज पूरे प्रदेश में फैली हुई है। इस अमानवीय कृत्य को करने वाले के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस घटनाक्रम की विशेष जांच के चलते महिला आयोग की सदस्य नर्मदा गौर ने यमुनानगर के सिविल अस्पताल का दौरा किया और उस मंदबुद्धि महिला के साथ मुलाकात भी की। लोगों की रक्षा करने वाली खाकी पर यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती मंदबुद्धि महिला से रेप जैसे संगीन आरोप लगे और रक्षक बना भक्षक की बात जब मीडिया में आई तो मामला यमुनानगर से महिला आयोग के पास पहुंचा, तो मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आज महिला आयोग की सदस्य नर्मदा गौर इस केस से जुड़े हर पहलू की जांच करने यमुनानगर पहुंची। यहां नर्मदा गौर ने सबसे पहले एसपी कार्यालय में एसपी समेत इस केस से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और मामले को पूरी तरह से समझा। महिला आयोग की सदस्य ने पुलिस से मुलाकात के बाद पीड़िता से बात करने का प्रयास किया, लेकिन सिवाय अपने परिवार के वो कुछ भी नहीं बता पाई। इसके बाद टीम ने उस घटना के समय जो भी लोग मौजूद थे उन सब से बात की, अस्पताल स्टाफ से बात की। सीसीटीवी की फुटेज क्योंकि नहीं थी, उसके लिए डीवीआर भी चेक किया। पीड़िता से बात करने पर निराशा हाथ लगने के बाद अब आयोग की टीम इस केस की मुख्य कड़ी के पास पहुंची, यानी कि केस की शिकायतकर्ता के घर पहुंची, लेकिन यहां भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी और दबाव में महसूस करते हुए उस महिला ने भी कोई बयान नहीं दिए। तरह की जो रहती है गलत हरकतें रहती हैं, इसका कभी भी कोई प्रूफ नहीं हुआ करता, कभी भी प्रूफ नहीं। और ये बात मेडिकल की, जो पुलिस ने मेडिकल के लिए जो भेजा है मधुबन में भेजा है तो वहां से रिपोर्ट आएगी 72 घंटे बाद तो कुछ भी नहीं आता। किस चीज की आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? आप देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, देखो मेडिकल जो रिपोर्ट आएगी उसमें देखो हम कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ये तो आप भी कोई मालूम है। लेकिन क्या है कि मेडिकल रिपोर्ट आएगी, हमने क्या कहा है कि इसका जो एविडेंस कोई नहीं रहती है, पहली बात तो यही है। और मेडिकल की बात करें अगर तो वो मैरिड है, कई चीजों का फर्क रहता है। लेकिन इसको आएगी हाँ आएगी, बाकी जो उसके दूसरा मेडिकल हुआ है वो 72 घंटे बाद वैसे नील है। नहीं, नील कुछ नहीं होता है सर, अब वो देखो रिपोर्ट तो आ जाएगी ना, उससे पता चल जाएगा। सीसीटीवी क्यों बंद हो गया मैडम, रात 12 बजे ही बंद किया? वो जांच का विषय है कि अगर बंद था तो कब से बंद है, ऐसा तो नहीं कि उसी दिन ही बंद हो गया। देखिए पुलिस ने अपना काम किया है, इन्होंने जो भी अपनी वहाँ पे जाकर अलग अलग लोगों के जो बयान लिए हैं वो इन्होंने अपनी जो भी कार्रवाई थी इन्होंने की है, कर रहे हैं ये, और इनकी जांच अच्छे से कंप्लीट शायद नहीं हुई है, इसीलिए तो हमें आना पड़ा ना, इसीलिए तो आना पड़ा। अगर पूरा हो चुका होता तो हमें तो आने की आवश्यकता नहीं थी। आप पुलिस तो कार्रवाई तब करती ना जब इनकी नॉलेज में आती है, ये तो बात वहीं दबाई जा रही थी, पुलिस के कानों तक तो बहुत लेट पहुंची है। 24 घंटे से बाद मैडम पहुंची है पुलिस के पास। तो देखिए आप ही कह रहे हो कि चलो पुलिस तक पहुंच गई, पुलिस जागरूक हो गई जी, हम तक पहुंची, हम जागरूक हो गए। पर दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूं कि वहां पुलिस वाले मौजूद थे जिस वक्त ये इंसिडेंट है, मैं ये भी कह रहा हूं। देखिए वो जांच का विषय, मैं अब जाकर तो क्या आप इसकी महिला आयोग अपनी अलग से जांच करेंगे? हाँ बिल्कुल अलग से ही जांच कर रहे हैं। देखिए अब जांच करेंगे, जो पाया जाएगा तभी तो पुलिस को डायरेक्शन दी जाएगी।